हेलो गाइज, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसीज के रिगार्डिंग। वैकेंसी निकली है पारस हॉस्पिटल में। एक बच्चे के पास मेरे पास कमेंट आया था कि बोल रहे थे कि सर फार्मासिस्ट की वैकेंसी बताएं गुरुग्राम के लोकेशन के लिए। तो गुरुग्राम लोकेशन में पारस हॉस्पिटल, इसमें वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मासी रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ पारस हॉस्पिटल कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए वैकेंसीज देखने को आपको मिल जाएगी। पहला ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, प्रोफेशनल एरिया के हिसाब से कैटेगरीज आप डाल सकते हो, जॉब टाइटल जो भी हो आप डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे आएंगे तो जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी पारस हॉस्पिटल में वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो पारस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये सिंगल हॉस्पिटल नहीं गुरुग्राम का, इसके 6 से 7 ब्रांचेस हैं और ये अलग अलग लोकेशन पर ये हॉस्पिटल अवेलेबल। तो यहां पर देखिए गुरुग्राम के लोकेशन में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, और एक लोकेशन और है पटना में, उसमें भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। पेज को स्क्रॉल करेंगे तो फार्मासिस्ट के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये गुरुग्राम की लोकेशन आ गई। यहां पर देखिए एक पर फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन है, गुरुग्राम की लोकेशन है, अप्लाई का ऑप्शन है, यहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने ऑप्शन ओपन कर लिया। इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डी फॉर्म बी फॉर्म इन्होंने मांगा गया, लेकिन साथ के साथ हरियाणा से रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, और एक बार हॉस्पिटल जाकर HR डिपार्टमेंट में विजिट कर लीजिएगा रिज्यूम लेकर। ठीक है, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू वो जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर CV आप सेंड कर सकते हैं, मेल आईडी इन्होंने दे रखी है, इस मेल आईडी पे आप CV भेज दीजिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जॉब के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिक फॉर्म दे रखा है, इन्हें फिलअप करके आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना रिज्यूम। तो चलिए बैक चलते हैं, एक लोकेशन में और दिखा देता हूँ, एक वैकेंसीज यहाँ पर और निकली हुई है अलग लोकेशन पर। तो यहाँ पे उदयपुर है लोकेशन, पंचकुला में ये हॉस्पिटल है, रांची में ये वैकेंसीज का हॉस्पिटल है। ठीक है, तो बैक चलते हैं, दोबारा से मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा नेट का शो थोड़ा स्लो चला है। तो मैं आपको देखिए पटना में जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की। तो गुरुग्राम की लोकेशन पटना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। तो जो बच्चे पटना में रहते हैं, नियर बाय रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस हॉस्पिटल के लिए, पारस के लिए। तो इसमें देखिए 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर से, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर दीजिए, और एक बार हॉस्पिटल जाकर HR डिपार्टमेंट में विजिट कर लीजिएगा जॉब के रिगार्डिंग, और यहाँ से आप अपना बेसिक डिटेल फिलअप करके रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे इंटरव्यू होने के। सबसे पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यही था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।